देश में कोरोना संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के नीमच में एक ऐसा विवाह भी देखने को मिला जिसमें ना बैंड है ना बाजा, ना बारात और ना ही नाते रिश्तेदारों का कोई हुजूर। यहाँ बस लड़का लड़की के अलावा सिर्फ एक पंडित और उनके माता पिता सहित बस 8 से 10 लोग जिनकी उपस्थिति में ये विवाह देखने को मिला। जी हाँ, आप जो दुल्हा दुल्हन को मास्क में देख रहे हैं, यही वो नीमच के उपनगर बघाना का वो जोड़ा प्रतीक और रुचिगर्क है जिसने लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाए ही शादी की सभी रस्मों को पूरा किया। प्रतीक और रुचि की ये शादी यादगार सी हो गई क्योंकि इस शादी में ना बैंड ना बाजे ना ही बाराती नाचते देखे गए। बस दूल्हा अपने माँ बाप के साथ सीधे दुल्हन के घर पहुंचा, यहाँ तक कि घोड़ी की रस्म को भी प्रतीकात्मक रूप से खिलौने के साथ पूरा किया गया। और फिर जब दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा तो उसका स्वागत करने को भी मात्र 2 से 3 लोग ही नजर आए और दूल्हे ने तोरण के रिवाज को पूरा कर पूरे विधान के साथ फेरे लिए और दोनों की शादी संपन्न हुई। ये शादी वैसे तो पहले से ही तय थी लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो परिवार के लोग भी शादी को टालने की सोच बैठे थे, लेकिन जब नीमच जिला ग्रीन जोन में आया तो प्रशासन की शर्तों पर शादी को सादगी से संपन्न किया गया। मनासा से मनीष जोलानिया की रिपोर्ट। अनोखी शादी आप मानते हो, क्या आप मान बैठे थे कि इस लॉकडाउन में अब शादी नहीं हो पाएगी? जी बिल्कुल, हम मान चुके थे कि लॉकडाउन में हमारी शादी नहीं हो पाएगी। हमारी शादी का मुहूर्त 26 अप्रैल 2020 का निकला था जो कि आखा तीज को होने हो रही है, पर पिछले कुछ 1-1.5 महीने से कोरोना महामारी जो चल रही है उसके कारण हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आगे बढ़ा दें, लेकिन 1-2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था, इसीलिए हम लोग हमारे मुहूर्त पर ही शादी कर रहे हैं और इसमें हमें प्रशासन मदद कर रहा है। और ग्रीन जोन में नीमच होने के कारण प्रशासन ने हमें 10 मेंबर्स की अनुमति दी है। तो क्या आप उसी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमने मास्क लगा रखे हैं और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जी, क्या किस तरीके की अनोखी शादी और क्या यादगार शादी मानती हैं आप? जी, हमारी शादी में ना कोई बैंड है ना कोई बारात है और बिल्कुल ही अनोखी तरह की शादी है और हमें हमेशा याद रहेगी ये शादी, और इसमें प्रशासन का और जिला प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? रुचि गर्ग। ये जो शादी है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ है, किस तरीके की अलग शादी है, लेकिन क्यों कर रहे हैं आप शादी? अभी विचार तो नहीं था, उसको आगे बढ़ाने का था, पर चूंकि एक मुहूर्त भी बढ़िया था और हमने पहले निकाल चुके थे लेकिन प्रशासन की कोई अनुमति नहीं थी इसलिए हमने इसको टाल दिया था, लेकिन कल अचानक प्रशासन ने अनुमति दी है 5 सदस्य हमारी तरफ से और 5 सदस्य लड़के वालों की तरफ से, तो उसके हिसाब से हमने फिर सारी तैयारी करी और सारा लॉकडाउन का जो नियम है, प्रशासन का जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से हमने इसकी पूरी तैयारी करी है और पूरा उसका नियम का पालन कर रहे हैं, उसी को देखते हुए हम इसको कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। जी, सोशल डिस्टेंस के भी क्या पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किस तरीके से आप दूरी बनाए हुए हैं सब लोग, और मेहमान में क्या 4-5 लोग ही हैं आप? बिल्कुल, मेहमान में जैसा प्रशासन का आदेश था शुरू में, जो प्रशासन की अनुमति थी हमें 5 व्यक्ति की, उसी हिसाब से हमने 5 व्यक्ति की ही व्यवस्था की है और पूरा सोशल डिस्टेंस मतलब अपना जो भी नियम है प्रशासन की गाइडलाइन है उसी हिसाब से हम इसको कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। किस तरीके की शादी आप मानते हैं कि ना बैंड है ना बाजा है ना बारात है? बिल्कुल, ये तो एक मतलब बढ़िया अनुभव रहेगा हमारे लिए, जिंदगी भर याद रहेगा कि इस तरह की शादी, मतलब इससे समस्याग्रस्त समस्या जो चल रही है पूरे देश में उसमें अगर इस तरह का अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि हमें भी याद रहेगी और प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं और आप जैसे लोगों का भी जो इस चीज में हमें सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा कमल गोपाल गर्ग, लड़की की तरफ से ताऊ, बड़ा बड़े पापा हूँ। ठीक है, और क्या रहा इसके अंदर? इसके अंदर ये रहा कि ना सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए अपन ने शादी करी है, साल भर तक अपने मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था, उसके प्रशासन ने अनुमति, अपना नीमच जिला पूरा ग्रीन जोन में था उसके बावजूद प्रशासन ने ना अनुमति दी, इसलिए अपन शादी कर रहे हैं। क्या क्या कहना है कि सर के की शादी आप है कि ना बैंड है ना बाजा है ना घोड़ी है कुछ नहीं, लेकिन क्या मजबूरी थी जो शादी करना पड़ा? साल भर तक का अपना मुहूर्त नहीं निकल रहा था, फिर साल भर बाद शादी का जा रहा था पूरा, इस चक्कर में अपन ने अभी प्रशासन ने कल आदेश दे दिया था, इस चक्कर में आज करना अपन को जरूरी था पूरे। हाँ, लॉकडाउन में पूरा अपन ने जो नियम कानून थे उसके अरूदी करे अपन ने। तो क्या आप पहले क्या मन मना चुके थे कि शादी नहीं हो पाएगी मुहूर्त होने के बाद भी, किस तरह की सोच थी पहले? पहले हाँ, उम्मीद तो छोड़ दी थी अपन ने कि शादी नहीं हो पाएगी, फिर कल से प्रशासन ने थोड़ी डील दी है, प्रशासन और प्रेस क्लब और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग करा। नाम प्रतीक अग्रवाल।
निवास दोदा मोहल्ला भगाना नीमच बालाजी टेंपल। बालाजी टेंपल।